What's up guys, welcome back to my What's up guys, welcome back to another vlog. पहला ही व्लॉग है. What's up guys, welcome to my first vlog. और आज हम लोग जाने वाले हैं एयरटेल के 5G लॉन्च में. ठीक है था एयरटेल का 5G लॉन्च. आप मतलब यानी स्पीड जो है इंटरनेट की वो बहुत बढ़ने वाली है, शायद पहाड़ छू जाएगी. और हाँ, इस इवेंट की सबसे मस्त चीज, यहाँ पर अपने काफी सारे क्रिएटर्स भी आने वाले हैं. मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत मजा होने वाला है क्योंकि इवेंट के बाद रात में एक पार्टी भी है. कार मेरे को लेने के लिए आ चुकी है. फटाफट से बैग वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं इवेंट के लिए. और यार एक चीज में ना इन्होंने मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया यार. मतलब लिखा हुआ था सेमी फॉर्मल ड्रेस पहन कर आनी है, मतलब पैंट शर्ट टाइप कुछ, और गेमर पे यार ढीले ढीले कपड़े पहनने वाले बंदे यार हम. ठीक है, पहनते अजीब सी लुक ना आ जाए यार. ऑफिस मतलब ऑफिस बॉय में कभी बना नहीं ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है. और गाइस रिसेंटली हमारे घर में एक नया मंदिर बना जो कि कुछ ऐसा सा दिखता है. बटन नहीं बन गई है ना. यस, अभी अभी दिन के टाइम पे ना लाइट उतनी ग्लो कर नहीं आ रही, बट रात के टाइम पे बहुत प्यारा लगता है. अभी बाहर से सनलाइट बहुत आ रही है, इसलिए मतलब लाइट ग्लो नहीं हो रही, बट हाँ जब इसके अंधेरा हो जाता है फिर लाइट में बहुत प्यारा लगता है. ओके, तो अभी होटल पहुंच गए हैं, चेक इन वगैरह कर लिया है. तो यहाँ पे है लिफ्ट जिसमें मुझे जाना है. ऑल डन, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और ये है अपना रूम. फटाफट से की लगा के चलते हैं अंदर, इसको डालते हैं यहाँ. और नाइस, काफी प्यारा और काफी बड़ा कमरा दिया हमें. वो बात अलग है कि मेरे को अभी यहाँ पर सोना नहीं है, अभी मेरे को तुरंत जाना है कुछ खाने पीने में. मैं घर से खाना खा के बिल्कुल नहीं आया हूँ और मेरे को बस यहाँ पर व्यू देखना है. किधर खुलेगा क्या एयरपोर्ट? मेरे को लग रहा था एयरपोर्ट वगैरह दिखेगा. वेट वहाँ दिख रहा है, बहुत दूर है बट दिख रहा है कुछ. तो ठीक है, मेरा मन था ऐसे प्लेन वगैरह उड़ते हुए दिखते तो मजा आता, पर हाँ यहाँ पर ये सब देखने नहीं आया, इवेंट पे आया. तो अभी सौरभ भाई आया अपने रूम में और ये कह रहे हैं कि ये वाले जो होटल है इसके रूम में कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ नहीं है भाई, बहुत मस्त चीज है. अच्छा, जो की हर किसी के पास होनी चाहिए. ठीक है, मेरे को ना लेकिन क्योंकि ना ये बार बार ना बाथरूम के आसपास जा रहे हैं तो मेरे को डर लग रहा है. जैसे हम सुबह सुबह बेड से उठते हैं, हमको वहाँ जाना होता है, बिल्कुल जाना होता है. दरवाजा भी है इस तरफ, कोई दिक्कत थोड़ी है. खोलेंगे ना हम दरवाजा, तो खोलेंगे ही नहीं भाई हम सीधा अंदर घुसेंगे. आज बंदा ना आ रहा होता भाई. ये क्या चीज है भाई, ऐसा घर भाई कभी मत बनवाना. कुछ आँख खुली कैसे करा, इधर कोई नहीं जाएगा, मेरे को लग रहा है उधर जाएंगे सामने से भाग के जाएंगे ना. बंद यार, ये थोड़ा सा गलत है. पहले मैंने सोचा था जितना अच्छा होटल है ऐसा कुछ घर वगैरह बनवाया जाएगा, बट नहीं, गलत ही सीन हो जाएगा यहाँ. तो अभी कुछ खाना पीना भी मंगाया, ये सही दिया भाई. हमने भी यही ऑर्डर करा था, हमने भी यही खाया था, इसलिए आपको रिकमेंड किया. देखते हैं बर्गर है कुछ तो अच्छा बर्गर. तो अभी मस्त खा पी लिया है और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि अभी काफी सारे लोग आ चुके हैं. ब्रीफिंग वगैरह हो गई, इवेंट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है. आई थिंक हो चुका होगा, हुआ नहीं है. बाकी अभी मेरी कुछ लुक जो है ऐसी सी दिख रही है. अगर मैं वहाँ अकेला हुआ ना पेंट शर्ट वाला, मैं तुरंत ऊपर आके कपड़े चेंज करके जाऊंगा नीचे. वो देखो गाइस, कोई तो आ रहा है भाग के. अच्छा, लंबे लोग मिल गए हमें. हेलो श्योर, बहुत दिनों बाद मिल गए, 1-2 साल हो गए. यार यार मेरे को एक तो स्कैम हुआ मेरे साथ, सेमी फॉर्मल बोल के सब ऐसे आए हुए. मैं चले जाऊंगा सही में कपड़े बदल. तो अभी इवेंट चल रहा है, सब लोग चुपचाप से बैठ के देख रहे हैं और एक बार इवेंट खत्म हो जाए फिर उसके बाद सबसे चल के मिलेंगे. ठीक है, तो एक तो मेरे को ब्लॉग करना नहीं आता, तो एंगल वगैरह जो भी देख रहे हो ओवरलैप हो रहे हैं बंदे. क्या रील होने वाला है जो भाई, क्या हो गया, नए ब्लॉगर आए तो कुछ भी बंदा कर रहा है. लोग शोर मचा दी होगी ना कॉन्ट्रोवर्सी. फाइटिंग इज लाइक अ टूल, व्हाट यू डू विद इट विल बी लेफ्ट टू यू. Whatever we think it can be done probably is just a tip of iceberg, but what will happen with this, I think we all will be surprised once we meet again probably a year from now what all we have done with IT. So without much ado let us start. GTA का वीडियो डालना है with a small वो नहीं डाल कुछ नहीं चाहिए भाई. फिर हुआ Airtel 5G Plus का मस्त लॉन्च. फाइनली अभी मेरा भी 5G एक्टिवेट हो गया। लेट्स गो स्पीड टेस्ट। देखो ये मैंने स्पीड टेस्ट स्टार्ट करा और इतनी स्पीड भैंस के टांग मेरे वाईफाई नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ GTA 5 डाउनलोड करने के लिए अभी हमें वाईफाई नहीं ढूंढना होगा। अभी GTA 5 पे 30 मिलियन हो जाएगा, 30-40 मिलियन। हाँ अभी हो रहेगा, लोग जल्दी भी लोग अब वीडियो डाउनलोड करके देखेंगे। PS4 का अभी 20 मिलियन का सरप्राइज भी जल्दी से आएगा। हाँ अभी आएगा, 30 पे आएगा पर आएगा। तो भी मैं दिखाता हूँ आपको Airtel 5G का पावर। यहाँ पर जो फोन है ये कनेक्ट है किसी क्लाउड गेमिंग ऐप से और इसमें चल रहा है प्रॉपर Xbox PS5 का गेम, जिसको मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ। इस टाइम गेम खेलते हुए मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ गए जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मैं अपने फ़ोन पे ही GTA 5, जेनोवर्स, नीड फॉर स्पीड जैसे बड़े बड़े गेम्स खेलता था, लेकिन सब कुछ लैग होता था क्योंकि इंटरनेट अच्छा नहीं था। बट अभी इंटरनेट बहुत फास्ट हो चुका है। इसका मतलब शायद अभी टाइम आ चुका है कि आप लोग GTA 5 खेल सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। पहले भी खेल सकते थे बट अभी बहुत स्मूथली खेल सकते हो, वो भी कहीं पर। फाइनली हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं टेक्निकल गुरु जी से। हाँ जी सच में सर, इंस्पिरेशन है। अरे जानते तो ना? बिल्कुल जानते जानते भाई जानते थे। क्या चल रहा है? चल रहा है, मैं थोड़ा व्लॉग वगैरह शूट कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ आपसे अभी फिलहाल। एंड को बहुत अच्छा लगा आप इंडिया में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट नहीं हुआ भाई, ये आ गए हो एटलीस्ट, आए तो रहने के लिए। मतलब मैं आता रहता था वैसे भी यार, वैसे तो वहाँ चलते रहते। मैंने सुना था इतना देर में हमारा दिल्ली गुड़गांव नहीं होता जितनी देर में दुबई। बगल में अंदाज में रूम नंबर 601 वाज माय घर। चलो ठीक है, अभी और मिलते हैं। चल मिलते हैं, चलो मजा उठाते हैं 5G का। हाँ अभी 5G तो नेक्स्ट लेवल हो चुका है। मैं सोचा था कुछ क्लाउड गेमिंग का। हाँ मैंने बचपन से जेनोवर्स आई थी ना, जब तब खेली तो मैंने बहुत लैग होती थी बट अभी अब रियल क्लाउड गेमिंग हो गई। अभी एकदम पूरी रियल वाली फट से बन के जुड़ गए, फट से जुड़ गए, बहुत तेज। वाईफाई की जरूरत नहीं अब GTA वगैरह डाउनलोड करने के लिए। बढ़िया चलो नाइस। यहाँ पर हाई स्पीड कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें ये 1 सेकंड में कैमरा देखना कैसे मूव करेगा और एक स्लोमो शॉट आएगा। ये वाला मूव नहीं है अभी, रुक जाओ वेट करो थोड़ा, ये होएगा 2-3 सेकंड में। गाइस YouTube ने तो नहीं बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि Airtel ने हमारा फैन पेज जरूर करा दिया। तो समझ लो हमारा फैन पेस्ट हो गया इस बारी। क्या लग रहा है? हम भाई सीख रहे थे एक दूसरे से गेम कैसे खेलना है, मैं सीख रहा हूँ सब एक दूसरे को। थोड़ा मैं अनबॉक्सिंग वगैरह सीख लेता हूँ। गाने वाले हम लोग थोड़ा म्यूजिक सिखाएंगे भाई ने, बॉडी शॉटी बना रहे डायरेक्ट इधर ही। फैन पेस्ट चालू करो, गिटार वगैरह लेके आओ, थोड़ा सा डांस वगैरह हो जाए। कर दूंगा यार डांस, कर दोगे? अभी नहीं करना है अभी, ये एनवायरनमेंट में नहीं। अभी थोड़ा सा चेक कम घटाना। ये अब समझ आया मेरे को। भाई यहाँ पर इतने सारे लोग हैं ना, मैं ढूंढ रहा हूँ किस किस से मिलके क्या क्या बातें कर दूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग मिस भी हो जाएंगे। कोई नहीं, मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर सब लोग गेम खेल रहे हैं और चल रहा टेबल टेनिस। और अपनी पोर्शे लेकर आए हैं तो मैंने नया वाला एग्जॉस्ट लगने के बाद नहीं चला, मैंने बस देखी आज बॉम्बे में थी उसके बाद। तो अभी गाड़ी में नया एग्जॉस्ट लगाया, पूरे में गूंज रही है उसकी आवाज़, तो मेरे को वो वाली चलानी है, ठीक है ना? चलो डन। इवेंट के बाद इस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी इधर उधर काफ़ी घूम लिया, एक बार इस साइड देख कर आते हैं। मैंने कुछ गली बना रखी है जाने के लिए, छुपा रखी है ये जगह। मेरे को लगा उतना ही है जगह, यहाँ पर अलग दुनिया है। कोई होटल वोटल तो नहीं, नदर वेदर टाइप। पता चला मैं कहीं और ही चले जाऊँ। इतनी देर तक मैं सोच रहा था ये क्या बना रखा है एयरटेल वालों ने, बट अभी मेरे को समझ आया। यहाँ पर खड़े होकर इन लोग मूव कर रहे हैं, मतलब नीचे देख रहे हो। अभी मैं ऐसे लग रहा था लिफ्ट है, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो नया है, समझ नहीं आ रहा। अभी मैं आ चुका हूँ मधुमक्खी के छत्तों में, देख रहे हो क्या मस्त छत है। मैं जा रहा हूँ उसको छूने, काटने लगे से कटेगी नहीं काटेगी। कंटेंट बना रहा है। अरे मैं रियलिस्टिक लग रहा था थोड़ा सा, तो मैं क्या है इसका मीनिंग? क्या है मीनिंग? कुछ नहीं, मैंने नीचे देखा, ऐसा लग रहा है हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। एयरटेल 5G से इसका क्या रिलेशन है? अब नहीं जाने का तो भी चल जाएगा, मुझे सच्ची में नहीं पता, सच्ची में नहीं पता क्या रिलेशन। तो एयरटेल वालों से जाके मैंने पूछताछ करी कि उन्होंने ये किस लिए बनाया, तब मेरे को समझ आया कि ये जो एयरटेल 5G नेटवर्क है ना, ये मतलब फास्ट होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि ये और ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान करेगा, उल्टा और बढ़िया है, ये नहीं करेगा। मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेटवर्क है। तो देखते हैं खाने में क्या क्या है। यहाँ पर वेज नॉन वेज सब मिक्स हो रहा है भाई। अच्छा सूप है, लेमन कोरिएंडर, कौन सा सूप है? डर लग रहा है, वेज नॉन वेज ढूंढ रहा हूँ मैं कौन सा है। और कुछ तो बनाता ही नहीं। तो देखते हैं आगे मेन्यू। काफ़ी कुछ अच्छा खासा है। मैं जिम स्टार्ट करने की सोचता हूँ, भैंस के टाइम ये सब मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो अभी मस्त मस्त फोटो खिंचवा लिया, बहुत सारा फन कर लिया है एंड अभी सब लोग जा रहे हैं रूम में फन करने, बातचीत करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो गाइस फाइनली एयरटेल 5G प्लस का इवेंट हो चुका है और आज मैंने देखा उज्जवल भाई को फर्स्ट टाइम ब्लॉग करते हुए और काफ़ी अच्छा लगा। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस ऐसा था, कभी कभी मैं मुँह काट दे रहा हूँ अपना, कभी मेरे को भूल जा रहा हूँ फ्रंट कैमरा सेट है बैक सेट है, बट धीरे धीरे सीख जाऊँगा। लेकिन काफ़ी क्यूट ब्लॉगिंग कर रहे थे, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, काफ़ी क्यूट सी, मतलब आराम आराम से बोल रहे हैं, धीरे धीरे खुलेगा ना मतलब भाई। लेकिन अपनी वीडियो में तो भाई मतलब चुप ही नहीं होते भाई, मैं देखो कैसे धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। ब्लॉगिंग में आ रहा हूँ मैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था एयरटेल 5G प्लस का? बहुत अच्छा इवेंट था। अब बस ये स्पीड जल्दी से हमारे फोन वगैरह आ गई होगी वैसे तो। हाँ आप दिल्ली में रहते हो ना, आप दिल्ली में, बस आपके पास तो आएगी होगी भाई, बट हमारे पास ही नहीं आई भाई, हम तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में देखते भाई एयरटेल करेगा। अभी तो 8 सिटीज़ में लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाएगा। अभी मेन 8 सिटीज़ में हो गया है, जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कर दिया है, बाकी हर जगह पर धीरे धीरे हो जाएगा एंड सब लोग मजे उठाएंगे 5G। तो गाइस आज हमने बहुत मस्ती की, मतलब डिनर विनर हो चुका है, सब कुछ फोटोज़ वोटोज हो चुके हैं, वीडियोज़ ले लिए हैं, पूरा एक्सपीरियंस हमने अच्छे से ले लिया है। तो अब हम जा रहे हैं रूम में और भाई के रूम में चलते हैं और वहीं जाके चिल करेंगे मस्त अपना। चलो थैंक यू, चलते हैं। मेरा व्लॉग बड़ा करने के लिए। ओके गाइस तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरी रात बस बातें शातें हुई हैं। मेरे को लग रहा था सारे क्रिएटर्स मिले आज, हम लोग कंटेंट को लेकर बात करेंगे, बिजनेस को लेकर बात करेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बस ये बंदी शंदी की बातें हुई है यहाँ पर। फिलहाल हाँ अभी सब लोग जा चुके हैं अपने अपने रूम में सोने के लिए एंड मैं चाह रहा हूँ प्रणव भाई के साथ कार चलाने। तो बहुत टाइम से मतलब मैंने उनकी कार चलाई नहीं और नया एग्जॉस्ट लगा है तो रात में शोर मचाते हैं चल के फटाफट से। बाकी हाँ मेरे को भी अभी इसके बाद निकलना है कहीं, तो मतलब सीधी सी बात है अभी होटल में मेरा प्लान नहीं था रुकने का, बट अभी जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा है रुकना पड़ा एंड अभी मैं फटाफट से यार निकलता हूँ। तो ये खड़ी गाड़ी टॉय लगता है यार मेरे को सच में, ऐसे थोड़ा बड़ा टॉय। गाड़ी में नए एग्जॉस्ट लगे थे तो एक बार आप साउंड सुन सकते हो। थोड़ी सी नाइट ड्राइव अभी जब चलाएंगे तो पॉप्स भी आने वाले हैं। तो अभी हम लोग बारी बारी खेल रहे हैं। हाँ ठीक है बारी बारी खेल रहे हैं, मेरी भी बारी है। नाइट ड्राइव विद लाइट ट्रेन, साउंड आने वाला भी बहुत ज़बरदस्त। बस एक बार यहाँ से निकल जाए थोड़ा सा। ठीक है गाइस तो भी मेरी बारी आ गई है एंड मैं चलाने वाला हूँ इस बड़े टॉय को। सो उज्जवल जा रहा है अभी टनल के अंदर। 3, 2 भगवान के लिए। अच्छा वैसे अभी 10 में से लास्ट टाइम शायद 6 या 7 थे। हाँ तो अभी क्या सीन है, कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। हेलो कोई नहीं कोई नहीं, अरे आएंगे आएंगे, कह रहे यार हमेशा आया करो आप। हाँ। आते हो वापस एक छोटा पुल। चलो अभी मैंने बस गाड़ी वाड़ी चला ली है और मैं सोच रहा हूँ होटल में जाके 1-2 घंटा सो जाऊँ, फिर मैं चले जाऊँगा, मैं भी घर चले जाऊँगा। बाकी अभी प्रणव भाई तो जा रहे हैं। ये डेंजरस है भाई। लेट्स गो। अपना पूरा GTA इन रियल लाइफ होता जा रहा सब कुछ। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से मैं चलता हूँ होटल में और चल के सोते हैं। अभी तक आवाज़ आ रही है। हाँ बाय।